लेकर के बुजुर्गों तक कोई भी आज अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजस्थान के दिग्गज नेता नमो नारायण मीणा, जिनकी कभी प्रदेश से लेकर केंद्र तक तूती बोलती थी, आज अपनी ही पार्टी कांग्रेस में उनको कोई पूछ नहीं रहा। यह हम नहीं एक वीडियो बयां कर रहा है जो इन दिनों काफी वायरल हो रहा है। यह वीडियो 24 नवंबर का बताया जा रहा है, जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में जिला अस्पताल के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे थे। समापन के बाद मुख्यमंत्री हेलीपैड की तरफ अपनी गाड़ी से जा रहे थे तो नमो नारायण मीणा उनकी गाड़ी की तरफ बढ़े, लेकिन सीएम की गाड़ी आगे बढ़ गई। इसके बाद दूसरी गाड़ी में नमो नारायण मीणा ने बैठने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। फिर अंत में चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा की गाड़ी दिखी तो पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा परसादी लाल मीणा की गाड़ी तक पहुंचे और उसमें बैठने की कोशिश की, लेकिन चिकित्सा मंत्री और विधायक इंदिरा मीणा की गाड़ी में उन्हें नहीं बैठाया गया। किसी ने यह वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। वीडियो पर कांग्रेस के नेता चुटकी ले रहे हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा सोमवार को नमो नारायण मीणा के आवास पर पहुंचे, मुलाकात की, कहा इस बात का ये अपमान है और इसे सहन नहीं करना चाहिए। प्रसाद लाल जी हमारे सम्माननीय नेता हैं, आज पता नहीं उनको क्या हो रहा है, न तो उनको नमो नारायण जी दिख रहे, न उनको करोड़लाल जी दिख रहे और न उनको सचिन पायलट दिख रहा, उनको पता नहीं क्या दिख रहा है आजकल। एक वो वीडियो वायरल हो रहा है वहाँ का सवाई माधोपुर का, मैं कह रहा हूँ उनको दिखाई नहीं दे रहा आजकल, न फिर सचिन पायलट दिख रहा कैसा नेता है कितना नेता है, न उनको करोड़लाल जी दिखाई दे रहे, न उनको नमो नारायण जी दिखाई दे रहे, कुछ उनको चक्कर पड़ रहा है मेरे को ऐसा लग रहा है। मेडिकल कॉलेज कहाँ बना है, दो साल थोड़ी बना है, उधर बना है, भंडारी जी बना है, पानीपुर में बन सकता था, वो जिले में कहीं भी बने, नर्सिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज जिले में कहीं भी नहीं, जिले में होना चाहिए। उसमें बजट की जो भाषा है वो दौसा जिले में, फला जिले में नर्सिंग कॉलेज, हर जिले में नर्सिंग कॉलेज, मुख्यालय कोई जरूरी, मुख्यालय पर कोई चीज़ हो, मुख्यालय पर तो जब बाहर ये थोड़ी मुख्यालय पर सब चीज़ें हो। अभी हमने सबसे पहले अभी हमको तीन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 23 करोड़ रुपये मिले थे, हमने उसको। कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा अपनी ही सरकार के दूसरे मंत्री के निर्णय से दुखी हैं। मंत्री मुरारी लाल मीणा के दुखी होने का कारण है उनके विधानसभा क्षेत्र में खोले जाने वाला नर्सिंग कॉलेज लालसोट में शिफ्ट कर दिया गया। दरअसल पिछले बजट में प्रत्येक में नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा थी, इसके लिए दौसा जिला मुख्यालय पर जमीन का अलॉटमेंट भी हुआ, लेकिन कुछ दिन पहले नर्सिंग कॉलेज को लालसोट शिफ्ट कर दिया गया। 22 नवंबर को सीएम गहलोत ने लालसोट में शिलान्यास भी कर दिया। ऐसे में मंत्री मुरारी लाल मीणा ने कहा नर्सिंग कॉलेज दौसा के लिए स्वीकृत हुआ था, चिकित्सा मंत्री को चाहिए था कि लालसोट में एक नया नर्सिंग कॉलेज खुलवाते, ऐसे में नर्सिंग कॉलेज को लालसोट में शिफ्ट किए जाने से वे दुखी हैं। उन्होंने कहा इस मामले को मुख्यमंत्री को अवगत कराया है और उन्हें आश्वासन मिला है कि दौसा में भी नर्सिंग कॉलेज खोलने के प्रयास होंगे। ऐसा है नर्सिंग कॉलेज के मामले में मेरा सुनने हुआ है कि नर्सिंग कॉलेज दौसा जिला के लिए घोषित हुई थी और मैं तो जब अच्छा रहता था प्रसाद लाल जी एक नर्सिंग कॉलेज हेल्थ मिनिस्टर और वहाँ पे करवा लेते, हमारे नर्सिंग कॉलेज को शिफ्ट कर दिया। इस बात का मुझे बड़ा दुख है, मैंने इस बात में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अवगत करा दिया है, उनको लिखित में भी मैंने लेटर दे दिया है कि भाई हमारी नर्सिंग कॉलेज थी ये शिफ्ट हो गई, तो उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है कि हम तुम्हारे खोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन अच्छा होता लाल छोटी खुद के नई कॉलेज खोल लेते। मेडिकल कॉलेज कहाँ बना है, दो साल थोड़ी बना है, उधर बना है, भंडारी जी बना है, पानीपुर में बन सकता था, वो जिले में कहीं भी बने, नर्सिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज जिले में कहीं भी नहीं, जिले में होना चाहिए। उसमें बजट की जो भाषा है वो दौसा जिले में, फला जिले में नर्सिंग कॉलेज, हर जिले में नर्सिंग कॉलेज, मुख्यालय कोई जरूरी, मुख्यालय पर कोई चीज़ हो, मुख्यालय पर तो जब बाहर ये थोड़ी, मुख्यालय पर सब चीज़ें हो। अभी हमने सबसे पहले अभी हमको तीन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 23 करोड़ रुपए मिले थे, हमने उसको आईसीयू वार्डों के लिए दौसा में ही। कोटा में रेसिडेंट डॉक्टर्स का